2014 की वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। लगभग 7 साल हो चुके हैं और अभी तक काउंसलिंग पूरा नहीं हुआ है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं कि आज भी तमाम जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 7 साल हो चुका है और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई। बात करेंगे सीधे अभ्यर्थियों से। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हैं? बिहार से, पटना से। क्या क्या समस्या आपकी? काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए, मार्क्स जारी किया जाए, जल्द से जल्द रिजल्ट हम लोग का जारी किया जाए। 8 साल होने वाला है, उससे लड़का बहुत परेशान है। क्या आयोग से बात हुई थी इस मसले को लेके? आयोग तो बोला था कि जो रिजल्ट दे दिया जाएगा, काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, मगर ये आज का इतिहास से पहला बार ऐसा हुआ है कि जहाँ मेंस का रिजल्ट देना चाहिए वहाँ जो है दोबारा पीटी का रिजल्ट दिया जा रहा है, और ये छात्रों के साथ जो है नाइंसाफी किया जा रहा है। अब क्या क्या लगता है? देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ इलेक्शन टाइम पे, तो सिलेक्शन टाइम पे मतलब इलेक्शन जब था, चुनाव था, तो उस समय रोजगार की बात कही जाती थी तमाम पार्टियों के द्वारा, युवाओं को लुभाया जाता था। और अब जिस तरीके से देख सकते हैं काफी तादाद में अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेके, और भी अभ्यर्थी हैं। क्या क्या लगता है कि आयोग आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? सर, जिस तरीके से आयोग ने 7 साल एक छोटी सी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगा दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये फिर से अभी 1 सालों के अंदर यह पूरा कर पाएगी। बात ऐसा है कि जो स्थिति में उनको फाइनल मेरिट लिस्ट देना चाहिए था, काउंसलिंग का लिस्ट जारी करना चाहिए था, उस स्थिति में वो पीटी का रिजल्ट 1218 बच्चों को दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार की यह नाकामी है। जिस तरीके से नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, विकास हो रहा होगा उनके लिए, मगर हम विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बस उनसे और आयोग के सचिव अध्यक्ष से यही अनुग्रह करूंगा, वो जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें, और साथ ही साथ रैंक और मेरिट लिस्ट, साथ ही साथ उन लोगों का रोल नंबर, सब चीज जारी करें। धन्यवाद। आप एक तरफ कैमरामैन को बोलूंगा, वो तस्वीर देखा है कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना शांतिपुर आंदोलन। बात करेंगे, क्या क्या लगता है आयोग सुनेगा आप लोगों की? 7 साल ऊपर हो गया, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। सुनाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, नहीं सुनेगा कैसे? सुनना पड़ेगा आप। लेकिन आयोग ने एक पत्र भी जारी किया था, पत्र में ये कहा था कि जो लोग प्रदर्शन करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो वहाँ पे प्रदर्शन करेगा तब ना बीएससी ऑफिस भी करेगा तब ना उम्मीदवारी। अब यहाँ तो गर्दनी बाग में हो रहा है ना। तो क्या लगता है कि आप लोग इस प्रदर्शन से आयोग को कोशिश तो करेंगे, जब तक ले जान है जब ले तो कोशिश करेंगे। काहे कि ये बेरोजगारी बैठ नहीं सकते हैं, घर में रोज ताना सुन नहीं सकते हैं। कई कई ऐसे लोग होंगे जिसका उम्र भी खत्म हो गया होगा, तो ऐसे बहुत अच्छा, उम्र बहुत के खत्म हो चुका है, लास्ट स्टेज चल रहा है कोई का। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी इस मसले को? ना, अभी तो नहीं हुआ है, जब बुलाएंगे तो जाएंगे। देख सकते हैं ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काफी तादाद में छात्र हैं, सभी के हाथों में बैनर पोस्टर है, बिहार का विद्यार्थी है लाचार, कब जागोगे कुर्सी कुमार। एक दर्जा भी दे दिया गया है नीतीश कुमार को, कुर्सी कुमार कर रहे हैं। इलेक्शन टाइम में तो सिलेक्शन था, और अब जब इलेक्शन खत्म हो गया तो हमारी बहाली क्यों नहीं। तो ऐसी जो लगातार जो इनका प्रोटेस्ट है वो जारी है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आप देख सकते हैं ये बीएसएससी की नौकरी आसान नहीं, इतना ही समझ लीजिए, एक आग की दरिया है और 8 साल में डूब के जाना। ऐसा क्यों सर? 8 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी हो, इतना लेट क्यों? ये पहली बार हो रहा है कि फाइनल रिजल्ट जारी करने के समय आयोग को याद आता है 2-2.5 साल बाद की पीटी का रिजल्ट जारी करना चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, रैंक लिस्ट और मार्क्स दोनों जारी किया जाए। तो देख सकते हैं इनका सीधे कहना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, क्योंकि 8 साल काफी लंबा वक्त हो चुका है और अभी तक ना काउंसलिंग हुई है ना रिजल्ट जारी किया है। ऐसे में हमारे भविष्य के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ है। देखने वाली बात है कि क्या आयोग इनकी मांगों को पूरा करता है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव देखते रहेगा। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।